दोस्तों आज की कहानी है भाभी आपका बच्चा मेरी कोख में है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मुग्धा अपने देवर रोहित के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रही थी। अंदर लेबर रूम में उसकी देवरानी सनेहा अपने संतान को जन्म देने के लिए जूझ रही थी, लेकिन मुग्धा बार उतनी ही बेचैनी से टहल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे आ जाती तो झट से उसे अपने आसल से पोस लेती। रोहित ने कितनी बार कहा, भाभी आप बैठ जाइए, थक जाओगी, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों घबरा रही हो? नहीं रोहित मैं ठीक हूँ, तुम बैठो ना, मैं साय लेकर आती हूँ कैंटीन से। नहीं भाभी बस कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, बस आपकी बेचैनी देख घबरा रहा हूँ, सब ठीक होगा, देखना आप पहले बैठो तो। यहाँ मुग्धा का हाथ पकड़ के बैठाते हुए रोहित बोला तो कुछ पल के लिए मुग्धा बैठी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ कांप रहा था। मैं ठीक हूँ रोहित, बस सनैया के दर्द को सोच कर थोड़ा घबरा रही हूँ, लेकिन देखना सब ठीक हो जाएगा, बाल गोपाल जी सब ठीक करेंगे, कहते हुए टकटकी दरवाजे पर लगा दी। बेटा होगा या बेटी, समाचार मिलने में तो समय है, आइए तब तक जान लेते हैं कहानी की मुख्य नायिका के बारे में। मुग्धा शुक्ला संदन की बड़ी बहू है। भगवान ने जैसा रूप दिए उतने ही गुण दिए हैं। पूरे शुक्ला परिवार की केंद्र बिंदु थी वो, उसके बिना घर का एक पत्ता भी उधर से इधर नहीं होता। 10 साल पहले जब ब्याह कर इस घर में आई तो पति सुमित के साथ सासू माँ जया जी, देवर रोन और ननंद रिया ने उसका खुले मन से स्वागत किया था। सुमित से उसकी शादी लव मैरिज थी, लेकिन बाकी सदस्यों ने उसको वही मान और प्यार दिया जो घर की बहुओं को देना चाहिए था। घर में सभी के प्यार और दुलार के बदले उसने परिवार को संभाल लिया। जैसे सभी की माँ हो, सासू माँ की सारी जिम्मेदारियों का वर्ण ऐसे कर लिया जैसे सारी जिम्मेदारियां उसके लिए थी। सब कुछ था मुग्धा के पास, लेकिन एक ऐसी अर्तप प्यास जो उसके हृदय को जला रही थी, वो प्यास थी मार्तव की। 10 साल हो गए शादी को, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। जाने कितने डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सभी को दिखाया, लेकिन सभी ने कहा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। शायद मार्तव के प्यास को बुझाने के लिए घर के सभी सदस्यों की माँ बन गई थी। देवर और ननंद तो जितनी बातें अपनी माँ को नहीं कहते, वो सब मुग्धा को कहते। रात में कुछ भी खाने फरमाइश कर देते तो वो खाना उसके सामने हाजिर होता। सासू माँ ने कितनी बार मुग्धा को प्यार से डांटा भी, बहू तो इन दोनों को बिगड़ा रही हो। दोनों दिन भर दिन बच्चे बनते जा रहे हैं और तू दिन भर उनके पीछे भागती रहती है, क्या तुम थकती नहीं? मुस्कुराते हुए सासू माँ को जवाब देती तो जया जी की आंखों के कोर गीले हो जाती। अपनी आसल से उन आंसुओं को पोंछते हुए मुग्धा के मधुर से मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को सुबके से नियार लेती। कुछ सालों बाद रोहित की शादी हुई। सनैया आई तो उसे भी अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और सनैया ने मातव का तो वो तोपा जो जेठानी की तरफ पाया था उसका मान भी रखा। अब वो कभी जिद करके दौड़ती भागती मुग्धा को कसम देकर बैठा देती, खुद घर संभालती। सनैया के आने के कुछ महीने बाद ही सनैया के आसन में फूल खिलने की खुशखबरी मिली। सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशखबरी जितनी बड़ी थी उतना ही टिस दे गई सभी के दिलों को। सब मुग्धा के बारे में सोचकर परेशान थे, लेकिन मुग्धा ने जिस बड़े मन से इस खुशखबरी को स्वीकार किया सब देखते रह गए। रात को कमरे में गई तो सुमित ने खिसकर सीने से लगा लिया। मुग्धा ने देखा सुमित की आंखों में आंसू थे जो आज के पहले कभी ना दिखे। क्या हुआ सुमित, मैं ठीक हूँ और मेरे लिए आपके साथ से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, और
मेरे बच्चे हैं तो रोहित और रिया को मैंने समझो माँ से गोद ले लिया है, और सबसे प्यारा बच्चा मेरा पति वो भी तो है ना। हाँ मुक्ता जानता हूँ, बस जाने क्यों आज मन भारी हो गया मेरे लिए। बस तुम काफी हो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन अपने दर्द को कहो तो मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ। हर समय मुस्कुराती रहती हो, क्या कभी दर्द नहीं होता मुग्धा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर सुमित ने उसकी आंखों में जागते हुए कहा। जाने कहां से मुग्धा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं का सुलभ उमड़ आया, वो पति के सीने से लग गई और खूब रोई, इतना कि शायद सुमित ने भी उस दर्द की गहराई को न जाना था। बस क्या था, अगले दिन से मुग्धा ने सनाया को अपनी बेटी ही बना लिया, उसके खाने पीने दवा सबका जिम्मा ले लिया। सतर्क इतनी जैसे जेलर, उसके हर हरकत पर पैनी नजर रखती थी, उसके देखरेख में कब 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। चलिए अब हम वापस हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, शायद खुशखबरी हमारा इंतजार कर रही हो। बस बच्चे की डिलीवरी का समय नजदीक ही था, डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था ऑपरेशन होगा। घर के सभी लोग अब हॉस्पिटल में थे कि कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताए कि जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, एक बेटा और एक बेटी। सभी सुनकर हैरान थे और खुशी भी, आज तक सनाया और रोहित ने ये कभी नहीं बताया, डॉक्टर ने उन्हें जरूर बताया होगा, ये सब सोचकर हैरान थे। मुग्धा के पैर तो जैसे जमीन पर टिके नहीं रहे थे, पूरे हॉस्पिटल को मिठाई खिलाई। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर ने सबको मिलने की इजाजत दे दी, सब कमरे में गए तो दो फूल जैसे बच्चे पालने में सोए थे और सनैया मुस्कुरा रही थी मुग्धा बच्चे को देख कर, जैसे भाव विभोर हो सुप कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू और होठों पर बड़ी सी मुस्कान। रोहित ने दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेकर मुग्धा के पास गया, मुग्धा की उंगलियां उठी और उन दोनों बच्चों के कोमल हाथों को सोने लगी। बेटे ने जैसे उस सुवन को महसूस कर लिया और हल्का सा मुस्कुराया, भाभी देखिए तो आपके बेटे ने अपनी माँ को पहचान लिया। मुग्धा आश्चर्य से रोहित की तरफ देखने लगी। हाँ भाभी, हमें पता था जुड़वे बच्चे हैं, और तब सनैया ने कहा था कि यह दो बच्चे मेरे नहीं हैं, एक बच्चा मेरा है और दूसरा अपनी भाइयां बहन को खींच के ला रहा है, जो इतने दिनों से भाई भाभी को परेशान कर रहा है, आने में देर कर रहा है। रोहित ने इतनी बड़ी बात कह दी मुस्कुराते हुए, और सनैया भी मुस्कुरा रही थी। मुग्धा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे, बस आंखों से निर्जर नीर बह जा रहे थे। भाभी, क्या मेरा ये बेटा आपको माँ कह सकता है? ये सुनते ही जैसे मुग्धा के अंदर का सारा दर्द आंसुओं के साथ बाहर आने लगा था। होठ हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वो कुछ पल निशब्द खड़ी रही। सुमित ने जाकर उसे कंधे से पकड़ा तो उसके सीने से लग गई। कौन जानता था अर्थ हृदय की पीड़ा पर कोई यूं शीतल सा मरम लगा देगा। सनैया मुस्कुरा रही थी। मुग्धा उसके पास गई और सनैया का माथा सूम लिया। ये दोनों बच्चे मेरे दोनों, मुझे माँ कह सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों की कमी कहाँ थी? 3 बच्चे तो मेरे पास थे जो मेरी खुशियों के लिए जी रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चला। बिल्कुल गलत आपने गिनती करने में गलती कर दी, 3 का है स्यार ही। भाई, मेरी गिनती नहीं की आपने, सुमित ने हंसते हुए कहा तो सब खिलखिला पड़ी। जया जी आज अपने हंसते खिलते पूरे परिवार को देख रही थी और अपने इतने प्यारे परिवार को देखकर मुस्कुरा रही थी। स्वर्ग में वास कर रहे पति से मन ही मन कह रही थी कि देखो हमारे संस्कार से खिसे पौधे अब बड़े हो गए और उन पर खुशियों के फल लग गए हैं। दोनों बेटों ने जाकर माँ को गले लगा लिया। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है।
दोस्तों आज की ये इमोशनल कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।